नमस्कार, इंडिया टाउन में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। आंधी ने बरसाया कहर, स्कूल का मुख्य द्वार गिरने से 22 चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की मौत। विकासखंड हसेरन गांव सगतपुर निवासी पवन तनु, पवन दुबे पुत्र श्याम बाबू दुबे, अनुज कुमार पुत्र चंद्र किशोर दुबे अपनी समर से वापस घर जा रहे थे, जो कि सगतपुर स्थित आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल से होकर गुजरी, तभी स्कूल का मुख्य द्वार भरभराकर उनके ऊपर गिरा, जिससे उनकी मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई। तीनों लोगों बुरी हालत में, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। प्रधान जी, ये कैसे हो गई घटना? कल वो आंधी पानी आया तो वो अपने समर पे थे, आदमी की समर लगी और वहाँ से ये तीनों लड़के मोटरसाइकिल पे घर के लिए एकदम भागे। कहीं पानी आ रहा है, कहीं ओले पड़ने लगे, तो यहाँ पे आकर के एकदम गेट के सामने आए, तैसे ये गेट गया पलट, उनके ऊपर ही तीनों उसमें गए दब गए, तो चिल्ली पुकार मची, हम लोग सभी गांव वाले भागे, जैसे तैसे उनको इससे निकाल पाया मोटरसाइकिल। उसी दबी रात को इतने लोग थे, फिर भी नहीं निकाल पाए, और उनको सेपई भेजा, यहाँ से सेपई में जा कर के वो विजय कुमार सरदार हरी बाबू तो ख़त्म हो गए, और अमित कुमार श्याम बाबू घायल है, और वो अनुज कुमार और चंद्र किशोर, ये दो लड़के बहुत ज़्यादा घायल हैं, इनका इलाज चल रहा है।